अभी एक ही चीज पहले जो पहले बताइए आज की जो मीटिंग वो किस क्या है एक पार्लियामेंट्री माइक टॉक उस एक छोटे मुद्दे थे जो मेरा ऊपर दायित्व था कि मैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न से बंगाल और उड़ीसा में वो बिंदु को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर तो ये माइक ऑन कर और कुछ बिंदु को टीम को बताना था मैंने बता दिया और अभी मैं गुवाहाटी लौट रहा हूँ तो एक घंटा का ही मेरा जिम्मेदारी सर पश्चिम बंगाल पुरुलिया में एक जगह पुरुलिया में तीन साधु बर्बरता के साथ पीटा गया वो उत्तर प्रदेश से आए थे और गंगा सागर जाने का पहले ही उन लोगों को ट्वीट किया गया क्या वो गंगा सागर नहीं गया वापस चले मैंने पुरुलिया का बात में आज सुबह में सुना हूँ मैं बहुत आई एम नॉट सरप्राइज ऑल्सो तो ये बंगाल में तो ऐसा ही स्थिति बना हुआ है तो ये तो कोई नया बात है नहीं होते ही रहता है मैंने तो मेदिनीपुर का चुनाव में आया था भाप रे इतना बड़ो बड़ो पत्थर धाप धाप मारते हैं रुकते भी नहीं तो मैंने वो नीचे में समझ लिया है कि ये कंप्लीटली डिफरेंट टेरिटरी है पत्थर भी इतना बड़ा बड़ा और ऐसा नहीं कि दूर में मारते है पूरा अटेम्प्ट करके मारते है तो इसीलिए यहां में पॉलिटिकल हिंसा और खास करके हमारे जो नेशनलिस्ट लोग हो जिसको आप सनातन का साथ जिसको आप जिसका सेम्बलेंस है और या जो सनातन को प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए ये बंगाल इज अ टफ टेरेन ये तो सब जानते हैं तो पुरुलिया में जो हुआ है ये सारे नोट करते रहिए जनता एक दिन जरूर जवाब भी दे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साधुओं के ऊपर आरोप लगाने में अभी व्यस्त देखिए हमारे देश में ऐसा नेता है लोग राम का ऊपर आरोप लगाएगा और बाबर को बोलेगा बाबर निर्दोषी तो देश का तो यही विड़ंबना है सर जो साधु ने परिवार को छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया तो उनको रातों रात अपराधी बना दे और जो अपराधी पहले से ही हो है वो इनोसेंट बन जाएगा यही तो विड़ंबना है समस्या तो इधर ही है और ये समस्या से हमको बाहर निकालना पड़ेगा कोई ना कोई भी आप जो स्थिति बोल रहे हैं बंगाल की है और जो आप देख रही है पहले क्या लगता है लोकसभा का इलेक्शन सामने आ रहा है आपकी कितनी सीट्स के लिए आप देख पा रहे हैं कि आप कितने अच्छा मेरा तो कर पाए मेरा तो लगता है कि लिमिट 35 है आप लोग कॉन्फिडेंट है जो कॉन्फिडेंट तो अभी शुरुआत हुआ हूँ मैं कॉन्फिडेंट होने नहीं होना अलग बात है लेकिन हमारा बंगाल का कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 35 तक जा पाऊ मेरा तो मन है 42 ये दिल मांगे मोर लेकिन मेरा लगता है कि 35 रीजनेबल टारगेट तृणमूल कांग्रेस का सांसद शताब्दी राय ने कहा है बीजेपी राम को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे जैसे वो बीपीएल तालिका भुक्त है इसीलिए उसका घर बना रहे उससे और ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं कभी बाबर का बारे में बोल सकते हैं तो कि बाबर तो बीपीएल बना रहे कांग्रेस राम का नाम में अनप सनप शब्द बोलने में उनका जो कंपटीशन है मैं उनको साइलेंस करके बोलता हूँ कि कभी बाबर का नाम में बोलो कभी औरंगजेब का नाम में बोलो कभी अल्लाह का नाम में बोलो हम तो ना अल्लाह का खिलाफ बोलता हूँ ना हम भगवान का खिलाफ बोलता हूँ ना हम जेसस का खिलाफ बोलता हूँ लेकिन आप लोग तो माहिर है हिंदुओं का भगवान का खिलाफ बोलने में अगर दम है तो दिखाओ अल्लाह का खिलाफ बोल के दम है तो दिखाओ यही शब्द बाबर का नाम में व्यवहार करते वो तो दम आपका नहीं है लेकिन हम बीजेपी हम अल्लाह का भी नमस्कार करता हूँ श्रद्धा करता हूँ राम का भी श्रद्धा करता हूँ जेसस का भी श्रद्धा करता हूँ प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म का मतलब एंटी हिंदुइज्म नहीं है सेकुलरिज्म का मतलब एंटी राम नहीं है राम रहीम दोनों को लेकर चलो बट बंगाल सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है राम को गाली दो और रहीम को आगे बढ़ाओ ये आप दोनों को साथ में लेकर चलो यू टेक बोथ राम एंड रहीम टूगेदर
कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश शांति में होगा। बट आप राम को तो गाली दे सकते हैं, राम को आप बीपीएल भी बना देगा, लेकिन रहीम को क्या बीपीएल बनाने का आपका दम है? एक दिन दिखाओ कहीं। हेमंत जी, यहाँ पे संजय खाली पे ईडी और सीबीआई जब कार्रवाई करने गए थे तो वहां पे उन लोगों को पीटा गया या फिर उन लोगों को वापस आना पड़ा। टीएमसी की तरफ से आपके खिलाफ ये बोला जा रहा है कि जब बंगाल का सीआईडी अशोक धानुका के लिए वो झारखंड का, आपको मैं बताऊं सच बात, खाना भी खिलाया बंगाल सीआईडी को, ये लोग गया था हाथ में बिना पैसा लेते हुए। ममता जी मुझको फोन किया तो मैंने खाना भी खिलाया, गाड़ी भी मेरा ही गाड़ी दिया हूं, आप कभी पूछ के देखिए। बंगाल सीआईडी को दामाद को भी ऐसा अच्छा से नहीं रखते मैंने जितना अच्छा से रखा। जो जो कांस्टेबल गया था, ममता जी मुझको सुबह फोन किया, मेरा तो पता भी नहीं कि हिमन देखो हमारा पुलिस जा रहा है, सुविधा नहीं मिल रहा है। उनको मैं गाड़ी दिया, पलटन बाजार का होटल में रुका था, होटल का किराया दिया, तेल दिया, पेट्रोल दिया, खाना खिलाया, मैंने घर से नहीं, असम पुलिस का ओर से। तो हम लोग ये सब में नहीं रहते, वो व्यक्ति का तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कर दिया, बेल करने का बाद आप उनको कैसे अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी बंगाल का पुलिस काल भी मुझे भी अरेस्ट करने जाए, मैं उसको दामाद का तरह भी रिसेप्शन करूंगा। इसलिए दायित्व बनता है, दीज आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर बंगाल का स्कैम के बारे में क्या कहेंगे आप? यू आर ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ अदर स्टेट। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, इसलिए मैं एक दिन के लिए आया हूँ और सबको मैं दुर्नीति बोल के जाता हूँ, बोल के जाता हूँ। बट जो हाईकोर्ट बोलते हैं वही हम लोग देखता हूँ, जो हाईकोर्ट जो बोलते हैं उसका और ऊपर में मैं क्या बोलूं, मैं तो एक छोटे आदमी हूँ। जब हाईकोर्ट का जज हर दिन, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, कभी कभी मैं शौक से सुन भी लेता हूँ, देखते बंगाल हाईकोर्ट का प्रोसीडिंग। तो बंगाल हाईकोर्ट का प्रोसीडिंग सुनने से ही तो आपको सारे मालूम हो जाता है, उसका बाद आप पॉलिटिशियन का कमेंट लेके क्या करेगा। लाइट भी आते हैं, टीवी भी बनते हैं, वीडियो भी बनते हैं, वही वीडियो को सलाह दो। मैंने अभी पंचायत चुनाव का पहले एक महिला जांच का मैंने इंटरेक्शन सुन रहा था, हाँ मैं नाम भूल गया, वो जैसे बोल रहा था फ्रॉम द शेयर ऑफ हर लॉर्डशिप, क्या कानून है आप लोग के, मैं तो सुन के भाग गया, क्या प्रदेश है। फिर मेरा पत्थर का याद था, जांच बोल रहे आप मेरा मुंह से क्यों करवा रहे, मेरा मुंह से बोलने से फिर कल आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, आपका कष्ट हो जाएगा। पर सर, लेकिन जब जजेस बोलते हैं, जो एक लेडी जजेस खास करके जब ऐसा, मतलब उनका वो दिन सेहरा देख के मैं ऐसा लगा कि इंडियन जुडिशियरी का कोई जो एक ऑरा होते कुछ भी नहीं है, कैसा लगा। तो फिर मैंने यूट्यूब का वीडियो भी देखा, तो उसका बाद मेरे से आपकी टिप्पणी ले चलो, मेरा टिप्पणी लेने से कल आपको दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, और परसों दिन यहां मैं नहीं रहूंगा मेरा जवाब देने के लिए। आप एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, वहां पर केंद्रीय बहुत एजेंसी भी काम करता है ईडी सीबीआई की तरह, पर कोई सीएम अगर ये कहे टीएमसी पार्टी वर्कर्स के लिए कि आप प्रतिरोध कीजिए ईडी सीबीआई को देखकर, प्रतिरोध की बात करता हूँ, जो लोगों का पॉलिटिकल इक्विपमेंट नहीं है वो लोग बोलेगा प्रतिरोध कर, एक दिन प्रतिरोध कर, दो दिन सीआरपीएफ बीएसएफ आके उठा के ले जाएंगे। तो उससे अच्छा है प्रतिरोध ना करो, पहले दिन ही सलाह जाओ, कम से कम बेल जल्दी मिल जाएगा। अभी वो प्रतिरोध करने वाला बात कोर्ट का रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, तो अरेस्ट तो जो होना है उनको तो होना ही है, लॉ हैज टू बी, द मैजेस्टी ऑफ लॉ हैज टू बी प्रिवेल। तो जो आपको दो दिन में बेल मिल जाता है आपको 10 दिन लगे। तो इसीलिए जो पॉलिटिकली इमेच्योर्ड है वो लोग सीबीआई ईडी ये लोग को प्रिवेंट करते, पॉलिटिकली यू फाइट अगेंस्ट सीबीआई, लेकिन कोई फिजिकली फाइट करते हैं तो फिजिकली फाइट करने का मतलब दो दिन का जगह में आपको जेल में 10 दिन रुकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ ये इसका पॉलिटिकल ट्रेनिंग कहाँ होते एक आठ दो तीन पूछ लीजिए, बहुत ज्यादा पहला तो आज ममता बनर्जी नहीं है, दूसरा आज केजरीवाल जी राहुल गांधी से मिले, तो
तो क्या लग रहा है, एक तरफ जब कांग्रेस, देखिए ये जो इंडी गठबंधन है एक ये शॉप ओपन है, ये आप लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहेगा, सुबह एक नाराज हो जाएगा, फिर शाम को उसका साथ संवाद होगा, नेक्स्ट डे दूसरा एक नाराज हो जाएगा, फिर दिन तीसरा नाराज हो जाएगा। आपने जो सास बहू का सीरियल देखा है ना, यही इंडी गठबंधन है। और कितना क्वेश्चन, मैं हर बार इंडी गठबंधन का मीटिंग में मुझको एक जर्नलिस्ट आके पूछता है, आज नीतीश नाराज है, कल लालू नाराज है, कल ममता ने ऐसा बोला है, तो कुछ ना कुछ कहानी होते ही रहते हैं। तो ये एक सॉप ओपेरा जैसा सिचुएशन है, और लोकसभा का लास्ट बैलेट कास्टिंग तक ये सॉप ओपेरा आप लोग को मिलते रहेगा, आप लोगों को एंटरटेनमेंट। नाराज होने का पीछे का रहस्य, नाराज होना है ही नहीं, जब एक व्यक्ति का खिलाफ एक गठबंधन होता है जो ऑर्गेनिक गठबंधन नहीं होता है, ऐसे तमाशा चलते रहेगा। तो ये मैं इसलिए आजकल टिप्पणी देना बंद कर दिया। हर सर व्हाट अबाउट सीए, सीए बंगाल की बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बीजेपी एज ए पार्टी वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ सीए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। असम में लोगों का बीच में कुछ रिजर्वेशन है और वो रहेगा, लेकिन वी हैव टू स्टैंड फॉर हिंदू रिफ्यूजी एट द कॉस्ट ऑफ, कभी कभी उसमें मेरा राजनीतिक थोड़ा सटी भी होगा, लेकिन एक ह्यूमैनिटी, एक जब भारत का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द हिंदू माइग्रेंट्स, हिंदू रिफ्यूजी, उसको तो हमें निभाना ही पड़ेगा। तो गृह मंत्री जी डिसाइड करेगा कब नोटिफाई करना है, लेकिन बीजेपी सीए का ऊपर प्रतिबद्ध है, और असम उसका कारण असम में वी पे पॉलिटिकल प्राइस ऑल्सो, बट वी हैव नॉट चेंज अवर स्टैंड। हमारा काफी लॉस हुआ है, हमारे बीच से कोई लोग पार्टी से निकाल के चला गया है, हमें चुनाव में तो सीट भी हारे हूं, और कोई सारे डिस्टर्बेंस भी असम ने देखा, बट फिर भी वी हैव नॉट चेंज अवर पोजिशन। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर इसका विरोध कर रहा है। देखिए ये क्यों विरोध करता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हिंदू रिफ्यूजी नीड ए परमानेंट एड्रेस, कितना दिन भटकते रहे, दे कैन नॉट गो बैक टू बांग्लादेश, आप कैसे बांग्लादेश भेज सकते, संभव नहीं है। कोर्ट ऑर्डर देते रहता है कि ये लोग फॉरेनर है, फॉरेनर है, तो एक तो फाइनल कॉल तो आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी अपोज करता है उनका आर्गुमेंट क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम एक बंगाली तो इसको अपोज नहीं करना चाहिए। द वर्ल्ड सफरर्स आर बंगाली हिंदूज, अगर बंगाली, इसीलिए हमारा प्रॉब्लम होता है असम में। असम का अपोजिशन लोग मुझको बोलते हैं कि जब ममता बनर्जी सीए को अपोज करता है, आप क्या उनसे भी ज्यादा बंगाली प्रेमी हो क्या, वाई यू आर सपोर्टिंग, तो उसके लिए मेरा दिक्कत भी होता है। जब ममता भी इसको अपोज करता है तो असम में मैं रिसीविंग एंड में आ जाता हूं, इसलिए मैं तो ममता दीदी से तो ज्यादा बंगाली नहीं बन सकता हूं। तो लोग हमें क्रिटिसाइज करता है कि जो बात ममता बनर्जी अपोज करता है वो बात आप क्यों सपोर्ट करते हैं, आर यू ए बिगर बंगाली देन ममता। तो ये अपोज करके हमें जैसा लोगों को भी डिफिकल्टी में डाल दे। वन नेशन वन इलेक्शन में ममता बनर्जी ने इसी को कह दिया है कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया है, उसका रिकॉर्ड व्यू रिकॉर्ड हो गया होगा कल से न्याय यात्रा। लेकिन ऐसा मत मानिए कि कोई व्यक्ति बोल देने से बाकी कमिश्नर या रे वो बोला है, अभी हमें हम भी बोलेगा, हम भी एक चिट्ठी लिखेगा सपोर्ट कर, वो बोलेगा मैं अपोज करता, मैं बोलूंगा मैं सपोर्ट करता हूँ, थोड़ा मोड़ा मैं भी एक सीएम हूँ, एक सीएम सपोर्ट किया, एक सीएम अपोज किया, जीरो हो गया। और भाजपा के सीएम तो ज्यादा है, बाकी मैं नहीं बताया। कल से न्याय यात्रा शुरू हो रही है अन्याय वाला, एक भारत तोड़ो अन्याय यात्रा शुरू हो रहा है, 47 में भारत को तोड़ा, फिर अभी न्याय का नाम में अन्याय कर रहे, वो लोग न्याय कैसे बोले, सिखों का दंगा का ब्लड उनका हाथ में है, असम में हजारों लोगों को मारा है, उनका ब्लड उनका हाथ में है, और कितना मैं इंसिडेंट बताऊं, तो जो व्यक्ति का हाथ अभी भी ब्लड से भरा हुआ है वो न्याय बोलने का पहले कम से कम रामलला का मंदिर में तो जाओ माफी मांगने के लिए, इसको न्याय बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। हमें तो
हमारा तो यही सिंपल बात है, असम में आएगा तो मैं पूछूंगा कि सारे 800 आसामी युवाओं को आपने मारा है, आपका नानी ने मारा है, तो कम से कम इसका तो आप जवाब डालो। देश का गृह मंत्री अमित शाह है, पाताल से भी लोगों को ढूंढ के निकालने का जब जरूरत सर, इतना तो आप निश्चित रहे, स्टेट पुलिस तो कोई चिंता मत कीजिए, देश का होम मिनिस्टर अमित शाह है, कोई लोग अगर पाताल में भी रहेगा तो उनको ढूंढ के निकालने का जब उनका समय आएगा। अभी उनका जन्म पत्री में कब समय लिखा हुआ है, नोबडी नोज़, तो डिपेंड्स ऑन दैट। सर राम मंदिर के बारे में प्रश्न है, सर राम मंदिर के बारे, राम मंदिर 22 जनवरी पीएम सर, हाउ डू यू लुक इनटू दिस माइलस्टोन, दिस इज अ रिसर्जेंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, दिस इज अ रिसर्जेंस ऑफ सनातन इन इंडिया, it is not about a establishment or pran pratishtha of a temple, hindu has got back the dignity, we were waiting for this golden moment for last 500 years, generation have sacrificed for that, so 22nd january will be remembered as a triumph for hindu civilization, it will be a red letter day for entire hindus of the world, I want good wishes from our Muslim brotherhood on this momentous day. मैं हमारे मुसलमान और जो ईसाई भाई बहन हैं, उनसे मैं शुभेच्छा मांगता हूँ। जैसे आपका रिलीजन का कोई माइलस्टोन इवेंट होगा तो हम लोग आपको शुभेच्छा देता हूँ, मैं आप लोगों से भी शुभेच्छा मांगता हूँ कि दिस इज अ डे व्हिच हिंदू वाज वेटिंग फॉर लास्ट 500 इयर्स, सो हमारे एक सेलिब्रेशन होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये सेलिब्रेशन खाली हिंदू करे, ये सेलिब्रेशन में मुस्लिम भाई भी साथ में रहे, मेरा ईसाई भाई भी साथ में रहे, मेरा सिख जैन भाई भी हमारा साथ में रहे होगी, और 22nd जनवरी इज नॉट ए डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अ डे फॉर रीयूनाइटिंग इंडिया। हमारे जो प्रश्न था मन में, न्यायालय ने हमें न्याय दिया, हिंदू का मन से एक बहुत बड़ा दुख हट गया, नाउ हिंदू इज ओपन, नाउ हिंदू इज रेडी टू एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी, आप लोग भी साथ में आइए नया भारत।